एमआरएफ सेंटरों के निर्माण कार्यों में कराया जा रहा है ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य। लगभग सभी ग्राम पंचायतों में बनाया जा रहा है एमआरएफ सेंटर। कचरा घर को ठेकेदार द्वारा बनाया जा रहा है कचरा। वर्तमान सरकार के भरकस प्रयासों के बावजूद नहीं रुक रहा यूपी का भ्रष्टाचार। मिक्स ईंटों और डस्ट बालू जैसे घटिया मटेरियल का एमआरएफ सेंटर के निर्माण कार्य में किया जा रहा है प्रयोग, मगर इसके बावजूद संबंधित अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। आखिर कब होगी ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की जांच और यूपी कचरा मुक्त के साथ कब बनेगा मुक्त भ्रष्टाचार यूपी? ताजा मामला मानिकपुर विकासखंड के अंतर्गत सकरोहा ग्राम पंचायत खेल मैदान के बगल में बनाया जा रहा है मानक विहीन एमआरएफ सेंटर। नमस्ते, मैं पंकज तिवारी। जैसा कि आपको पता होगा कि हर ग्राम पंचायतों में इस समय एमआरएफ सेंटर बनाए जा रहे हैं। उस एमआरएफ सेंटर में सरकार की तरफ से अच्छा खासा बजट आया हुआ है और सरकार ने कहा है कि अच्छा खासा मजबूत जो है एमआरएफ सेंटर को बनाना है। तो मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगा, ईंटें क्वालिटी दिखाऊंगा। देखिए, आपको साफ साफ ईंटें रखे हुए दिख रहे होंगे और ईंटें में आप देख रहे होंगे दो क्वालिटी के ईंटें रखे हुए हैं, जो थर्ड क्वालिटी के ही ईंटें हैं जो दो उसमें बटे हुए हैं। और इधर डस्ट की बालू मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए डस्ट की बालू भी प्रयोग की जा रही है और गिट्टी देख लीजिए आप किस प्रकार की गिट्टी है। और ये हमारा सेंटर बन रहा है जिसमें सरिया आप देखेंगे नाम मात्र की चार सूत की सरिया लगनी चाहिए, मगर देख लीजिए किस तरह की सरिया लगी हुई है और जुड़ाई में भी डस्ट बालू का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि सरकार तो अच्छा खासा बजट दे रही है ग्राम पंचायतों को, मगर ठेकेदार मनमौजी काम करवा करके बजट का अच्छा खासा सरकारी दोहन कर रहे हैं।